हेलो गाइस, वेलकम टू पाखीज किचन। आज की हमारी रेसिपी है मशरूम टिक्का। अब हम लेंगे एक बाउल, बाउल में डालेंगे थोड़ा सा दही, फिर इसके बाद क्रीम यूज़ करेंगे। मैंने अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ की है। थोड़ी सी क्रीम डालेंगे, आप घर की क्रीम यूज कर सकते हैं। इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और कटा हुआ जीरा, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। दो चम्मच मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डालेंगे। फिर हाफ नींबू का रस डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे भुना हुआ बेसन, कच्चा बेसन का यूज नहीं करना है। बेसन में कोई भी लंग्स ना रह जाए इसलिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारा बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है, कोई भी लंग्स नहीं है। अब इसमें ऐड करेंगे मशरूम, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ऐड करेंगे प्याज, शिमला मिर्च, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसको एक घंटे के लिए रख देंगे। अब एक घंटा हो चुका है, अब हम स्टिक्स को रेडी करेंगे। पहले डालेंगे मशरूम, फिर प्याज, फिर शिमला मिर्च, इसी तरह से हम प्रोसेस करेंगे। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। इसी तरह से और स्टिक हम बना लेंगे। फिर मशरूम डालेंगे, फिर प्याज डालेंगे, फिर शिमला मिर्च डालेंगे, इसी प्रोसेस से स्टिक को रेडी कर लेंगे।
हमारी तीनों स्टिक्स रेडी हो गई हैं और मैंने इसमें अब कड़ी पत्ता डाला है। आप चाहें तो कड़ी पत्ते को स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम एक तवा लेंगे, तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। और इस पर रेडी की हुई स्टिक्स को रख देंगे। और स्टिक्स को हर साइड से पकाएंगे। आप लोग घर पे एक बार जरूर ट्राई करिएगा।